बुक का पेज नंबर 5.98। एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं आपको कि क्या कॉन्सेप्ट करा था हमने। मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट एक तो लिखवाया था और एक आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी कॉन्सेप्ट तो लिखवा दिया था, पर उसका क्वेश्चन कोई नहीं करा था। फिर उसके बाद बस आपको एडजस्टमेंट्स कराई थी, तो इसको तो अभी छोड़ दो, इसकी तो चिंता अभी नहीं करेंगे। फिर आपको एडजस्टमेंट्स जो करवाई थी उसमें आपको एसेट अकाउंट बनाना और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, मेन वो सिखाया था, और उसी के क्वेश्चंस करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के आंसर निकाले थे हमने। दो क्वेश्चन कर लिए थे 22, 23, तो आज इसी को पूरा कवर कर लेंगे, मतलब इसी की सारी बातें सीख लेंगे आज। तो पहले क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, 25 ये वाला। From the following information, calculate cash flow from investing activities. तो एक statement बना लेते हैं मेरे साथ, एक statement बना लो। मैं तो दोनों को बाहर निकालूंगा, मुझे क्या पर्टिकुलर्स और रुकी। अब दिबांग कर पढ़ना शुरू कर देता है तुम लोग, फिर डिस्टर्ब करते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखेंगे। और मैंने उस दिन भी कहा था आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में टोटल आपके 10 आइटम्स हैं बस, इसके अलावा कोई 11वां आइटम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। तो ये 10 आइटम्स को याद रखेंगे और फिर अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमको। चलो, तो सबसे पहला आइटम दे रखा है इसके अंदर हमको परचेज ऑफ मशीनरी। तो परचेज ऑफ मशीन एक आउटफ्लो होता है, तो आप ऐसे दो तीन लाइन छोड़ के माइनस करके लिख लो परचेज ऑफ मशीन 2,50,000। ठीक है, मैं इधर भी हाथिया टिक करवाता रहता हूँ कॉन्सेप्ट में भी। ये रहा परचेज ऑफ मशीन। दूसरा आइटम है परचेज ऑफ गुडविल, तो ये भी आउटफ्लो होता है, तो माइनस कर दो परचेज ऑफ गुडविल 1,00,000। उसके बाद होता है सेल ऑफ मशीन, आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट में सेल ऑफ मशीन इनफ्लो हो जाता है, तो इसको आप टॉप पर लिख लो एक इनफ्लो की तरह, पॉजिटिव की तरह, सेल ऑफ मशीन 35,000। उसके बाद है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी एक इनफ्लो होता है, तो इसको भी आप ऊपर लिख लो इनफ्लो की तरह 50,000। उसके बाद है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक आउटफ्लो होता है, तो इसको आप नीचे इधर माइनस कर दो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,50,000। उसके बाद है सेल ऑफ पेटेंट्स, सेल ऑफ पेटेंट्स, तो ये इनफ्लो होता है, तो इसको आप ऊपर लिख सकते हो सेल ऑफ पेटेंट्स 40,000। इंटेंजिबल एसेट बेचा। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, तो इकट्ठे दे रखा है, कॉन्सेप्ट में दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव मैंने अलग लिखवाया था, पर उन्होंने इकट्ठे दे दिया इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, ये भी इनफ्लो होता है, तो ये आप नीचे लिख लो, ऊपर मतलब मेरी जगह खत्म हो गई इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता, ऊपर नीचे अपने मन से कर सकते हैं 10,000। फिर उसके बाद नीचे लिखिए कहानी, ए बिल्डिंग वॉज परचेज्ड एज इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस, हमने अपने सरप्लस में से एक बिल्डिंग खरीद ली,
विच वॉज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पजेज, जिसको हमने कमर्शियल पर्पजेज पर किराए पर दे दी। रेंट रिसीव 20,000, उससे हमको किराया मिला, रेंट रिसीव, तो ये भी होता है इनफ्लो। तो रेंट रिसीव भी इनफ्लो हो गया 20,000, तो ये भी आप प्लस करके या इनफ्लो की तरह लिख लो, रेंट रिसीव 20,000। इस गणित को फटाफट सॉल्व करके देख लेते हैं। 35 जमा 50 जमा 40 माइनस 2.5 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1.5 लाख जमा 10 जमा 20 माइनस 345, तो माइनस 345 आ रहा है। तो यूज्ड इन लिख देंगे अंग्रेजी में, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये कैसी कंपनी है? अच्छी कंपनी, बढ़िया, अच्छी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर नेगेटिव आना मतलब अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, इसी तरह का एक और करके देखते हैं। कर लिया नोट, हटा दूं? तो क्वेश्चन नंबर 31 ये वाला, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसमें भी एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। बनाओ केशव बाबू, अब इसमें इनका स्टाइल देखो क्वेश्चन का। मशीनरी लिखा है पर्टिकुलर्स में और ऊपर हेडिंग दे रखी है परचेस्ड और इधर हेडिंग दे रखी है सोल्ड, मतलब हमने मशीन खरीदी भी और मशीन बेची भी। तो परचेज ऑफ मशीन भी लिखेंगे हम और सेल ऑफ मशीन भी लिखेंगे हम। परचेज ऑफ मशीन आउटफ्लो की तरह लिखेंगे, सेल ऑफ मशीन इनफ्लो की तरह लिखेंगे। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट परचेज भी लिखेंगे, सेल भी लिखेंगे। गुडविल परचेज लिखेंगे, पेटेंट सेल लिखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने इस बार कॉलम्स में परचेज सेल ऐसे दे रखा है, ठीक है। नहीं वो फिर बुरा मान जाएगा ना। तो पहले क्या लिखना है, क्या शुरू करना है? सेल ऑफ मशीन, ठीक है। तो सेल ऑफ मशीन 2 लाख, तो ये तो है इनफ्लो और आउटफ्लो। हाँ तो नीचे लिख लेते हैं माइनस परचेज ऑफ मशीन। तो मशीन खरीदी भी और मशीन बेची भी, तो सेल को ऊपर लिख लो इनफ्लो की तरह, परचेज को नीचे लिख लो आउटफ्लो की तरह। फिर नेक्स्ट आइटम बताओ, इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऊपर लिख लो 80,000 और माइनस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नीचे लिख लो 2,40,000। उसके बाद गुडविल में तो खाली परचेज दे रखा है, तो खाली परचेज ही दे रखा है गुडविल में, तो माइनस नीचे ही लिख लो परचेज ऑफ गुडविल 1,00,000। और पेटेंट्स में खाली सेल दे रखा है 1,50,000, तो ऊपर लिख लो इनफ्लो सेल ऑफ पेटेंट्स 1,50,000। फिर नीचे के पॉइंट्स पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ आपके सामने, आंखों के सामने। नीचे के पॉइंट्स पढ़ते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होगा? ऐड होगा, इनफ्लो हो जाएगा, तो इधर ही लिख लो इंटरेस्ट रिसीव्ड
8,000 उसके बाद अगला आइटम सवाल में दे रखा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। तो आपने तो कसम खा रखी है कि सर ने 10 आइटम लिखवाए हैं, तो उसके अलावा 11वां आइटम हम कोई भी लेंगे नहीं। तो इंटरेस्ट पेड मैंने यहाँ पे लिखवाया है क्या? नहीं लिखवाया। तो इंटरेस्ट पेड आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है सवाल में, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं बनोगे और आप उसको छोड़ दोगे, इग्नोर कर दोगे, क्योंकि इंटरेस्ट पेड हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं लेना। सर ने लिखवाया कि 10 ही आइटम है ब्रह्मांड में, तो 10 ही होंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेड को कुछ नहीं करना, बेवकूफ़ बना रहा है, छोड़ दिया। फिर अगला आइटम है पॉइंट नंबर 3, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट 20,000। डिविडेंड रिसीव्ड, ये लिखा डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये क्या होता है? इनफ्लो। तो डिविडेंड रिसीव्ड को आप लिख लो इनफ्लो की तरह, डिविडेंड रिसीव्ड 20,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम पढ़ो, 4th, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। तो डिविडेंड पेड लिखवाया सर ने यहाँ पे, इसमें कोई भी डिविडेंड पेड नाम का आइटम है नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो, ये भी बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। फिर उसके बाद है आखिरी आइटम, वही आपने जमीन खरीदी सरप्लस फंड से जिसको किराए पर चढ़ा दिया और आपको रेंट रिसीव हुआ 50,000। तो रेंट रिसीव को क्या ले लेंगे? इनफ्लो। तो रेंट रिसीव लिख लो 50,000, बस। तो गणित करके देख लेते हैं, 2,80,000 जमा 1.5 जमा 8 जमा 70 माइनस 6,20 माइनस 2,40 माइनस 1,00,000 माइनस 452 माइनस 452 आ रहा है। तो इसका मतलब कि क्या? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये कंपनी भी है बढ़िया कंपनी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो कुछ वार्म अप क्वेश्चन होंगे बेसिकली, जिसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डायरेक्ट निकाल लिया हमने। अब करेंगे आप और मैं मिलजुल के करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27। ये हटा दूं, कर लिया नोट। ये वाला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। प्लांट एंड मशीनरी, क्लोजिंग ओपनिंग, इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग ओपनिंग, लैंड क्लोजिंग ओपनिंग, एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन प्लांट एंड मशीन 50,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वॉज सोल्ड फॉर 40,000, ठीक है। लैंड वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 60,000, कह रहा है लैंड आपने 60,000 के प्रॉफिट पर बेच दी, ठीक है। 4th, नो इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, और कह रहा है आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं बेची। तो इसमें एक तो प्लांट एंड मशीन दे रखा है, उसकी एडजस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट दे रखा है उसकी कुछ कहानी है, लैंड दे रखी है उसकी कुछ कहानी है। तो इसमें हमको 3 लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे वर्किंग नोट में, प्लांट एंड मशीनरी का भी, इन्वेस्टमेंट का भी, लैंड का भी, और वो वर्किंग नोट में बनाएंगे। तो मेन सॉल्यूशन के लिए तो एक ढांचा बना लो, स्टेटमेंट बना लो 5 लाइन का, बाकी वर्किंग नोट में 3 ढांचे बनाएंगे। वर्किंग नोट में बनाएंगे 3 लेजर अकाउंट्स, ठीक है। आप तमीज से बनाना, एक बनाना है प्लांट एंड मशीन अकाउंट, एक बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
ये सब एसेट्स हैं, एसेट अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, और एक बनाएंगे लैंड अकाउंट। ठीक है, आप एक के नीचे एक बना लेना, थोड़ा सा सुंदर बनेगा। तो एक बनाना है प्लांट एंड मशीन का लेजर अकाउंट, एक बनाना है इन्वेस्टमेंट का लेजर अकाउंट, एक बनाना है लैंड का लेजर अकाउंट। तीन लेजर अकाउंट बनाएंगे और लास्ट क्लास वाला रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले बिना दिमाग वाला काम करते हैं। पहले प्लांट एंड मशीनरी का टू बैलेंस बीडी बताओ, ओपनिंग बैलेंस 8,50,000, और बाय बैलेंस सीडी बताओ क्लोजिंग वाला 10,00,000। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना ना, ये तो अपना देख के लिखना है मैंने। फिर इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट का टू बैलेंस बीडी बताओ, ओपनिंग वाला 40,000, और बाय बैलेंस सीडी बताओ क्लोजिंग वाला 1,00,000। ओके, ये क्लियर हो रहा है सबको? फिर इसी प्रकार लैंड का टू बैलेंस बीडी बताओ, ओपनिंग वाला 2,00,000, और बाय बैलेंस सीडी बताओ क्लोजिंग वाला 1,00,000। तो ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, इसमें तो कोई बुद्धि लगानी नहीं, देख के लिख दिया मैंने। सबसे पहले ये लिख लो, कम से कम अगर कुछ गलत भी करा तो एग्जामिनर दया भाव से आधा नंबर तो दे बीडी सीडी लिखने का। तो पहले ये लिख लिया बिना दिमाग वाला काम। अब नीचे पॉइंट नंबर 1 में लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कह रहे हैं हमने प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाया, तो प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन डेबिट में लिखोगे कि क्रेडिट में लिखोगे? लो नलायक, ये नशे करके बैठे। डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते थे बचपन में मशीन अकाउंट में? बाय डेप्रिसिएशन, यही भूल गए तुम तो। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते थे बचपन में मशीन अकाउंट में? बाय डेप्रिसिएशन नहीं लिखते थे यहाँ पे? और ये तो अभी कॉन्सेप्ट में भी परसों भी लिखवाया था। चलो कोई बात नहीं, होता है ये, तो लिख लो बाय डेप्रिसिएशन 50,000। थोड़ा कम एमजी की डोजेस लिया करो। ठीक है, तो फिर सही जगह आएगा। ओके, ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया। डेप्रिसिएशन तो यही लिखना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, क्या दे रखा है? प्लांट एंड मशीन विद अ बुक वैल्यू, चलो यहां मैं स्टोरी लिखता रहता हूँ। प्लांट एंड मशीन जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है वॉज सोल्ड, चलो ये अब आप बताना, वॉज सोल्ड फॉर 40,000। जब हम मशीन बेचते थे, अरे लॉस तो होगा, पहले बेचने को कहाँ लिखना है? बाय बैंक, हाँ इधर लिखते थे, सेल ऑफ मशीन को इधर लिखते थे, बाय बैंक अकाउंट। तो आपने मशीन बेच दी तो इधर लिखते थे बाय बैंक 40,000। ठीक है, अब बेचने के टाइम पर फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? लॉस हो रहा है, 20,000 का लॉस हो रहा है। तो लॉस किधर लिखते थे? क्रेडिट साइड, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो 20,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये ढांचा जो है इसकी पोस्टिंग सही से याद कर लेना, कोई भी इधर की इधर या इधर की इधर होगी फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर हो गया ढांचे की पोस्टिंग? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब क्रेडिट साइड का एक बार टोटल करो, 90 और 20, 11,10,000। 11,10,000 में से
साढ़े आठ माइनस कर दो, करो 11,10,000 में से 8,50,000 माइनस कर दिया तो क्या बच गया, 2,60,000। ये बैलेंसिंग फिगर बच गई। तो बताओ, अब बताओ इसका मतलब क्या। टू बैंक अकाउंट, लिखना बैंक अकाउंट होता है, मतलब परचेज है वो, तो मतलब इसका परचेज है, लेकिन ये नहीं कि परचेज अकाउंट लिख दिया, फिर तो गलत हो जाएगा, गुड्स थोड़ी ना खरीद रहे। तो लिखना टू बैंक अकाउंट है, लेकिन मतलब क्या है, हमने मशीन खरीदी तो हमने ये निकाल लिया। तो मैं पहले इस खाते में पूछ रहा हूँ, कोई डाउट इसमें क्लियर हो गया पोस्टिंग। चलो अब पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 में लिखा है लैंड वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 60,000। कह रहे हैं हमने जमीन बेच दी, आपने जमीन बेच दी मुनाफे पर, 40,000 के मुनाफे पर। तो मुनाफा किधर लिखोगे, जमीन के अकाउंट में, डेबिट साइड लिखोगे, वेरी गुड। तो लिखो टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 40,000। ओ 60 दे रखा है, 60 ठीक है, 60,000। तो आपने 60,000 के मुनाफे पर जमीन बेच दी, ओके ठीक है। तो अब डेबिट साइड का टोटल बताओ, 2,60,000। 2,60,000 में से 1,00,000 माइनस करो, 2,60,000 में से 1,60,000 माइनस करा तो क्या बच रहा है बैलेंस, 1,60,000। इसका मतलब ये क्या होगा, हाँ लेकिन लिखोगे क्या, बाय बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब ये आपने लैंड बेच दी होगी, तो ये बैलेंसिंग फिगर पता चल गया, ये बाय बैंक, ये सेल कर दी आपने, लैंड को बेच दिया, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया वाला भी। फिर चौथा पढ़ो पॉइंट एडजस्टमेंट का, नो इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। कह रहे हमने कोई इन्वेस्टमेंट बेची नहीं, तो आप मत लिखना, वो तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ। तो कह रहे हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं बेची, मतलब वो कह रहे सेल जीरो है, ठीक है, तो जीरो है तो बहुत अच्छी बात है। तो टोटल करो इधर का, 1,00,000। अब 1,00,000 में से 40,000 माइनस करो तो इधर बच गया बैलेंस 60,000। तो इसका मतलब क्या, टू बैंक अकाउंट, यानी ये आपने क्या करा है, परचेज करा है। इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, ये पता चल गया, ठीक है। खाते बनाने आ गए, चलो अब मेन आंसर निकालते हैं। तो चैरिटी था, अभी तो जीरो नंबर है हमारे एग्जाम में। चलो सबसे पहले क्या लिखें, सबसे पहले क्या, सेल ऑफ, चलो पहले मशीन से ही शुरू कर लेते हैं, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन 40,000। उसके बाद सेल ऑफ लैंड 1,60,000। सेल ऑफ लैंड, जमीन बेची, और ये प्लांट, प्लांट एंड मशीन। फिर उसके बाद माइनस क्या करना है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन कितने का खरीदा, तो माइनस कर देते हैं 2,60,000। और माइनस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का खरीदा, 60,000, तो वो भी माइनस कर दो। तो 40 और 1,60,000, 2,00,000। 2,00,000 माइनस 2,60,000 माइनस 60, माइनस 60 माइनस 60 माइनस 120, तो मतलब आंसर आ रहा है -120। तो -120 के लिए क्या अंग्रेजी लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, चलो दिबांगर
तो कोई डाउट दिबंकर जी, समझ आ गया, मजा आ रहा है चेपने में? चलो ठीक है, ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। बढ़ो आगे, कर ले लो। क्वेश्चन नंबर 28। ये वाला है, क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ अ कंपनी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो पहले ढांचा, पहले स्टेटमेंट का ढांचा, सबसे पहला आइटम गुडविल ओपनिंग में थी 1 लाख की, क्लोजिंग में हो गई 75 की, तो इसका मतलब गुडविल कम हो गई, तो इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। इसको क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर, इसीलिए इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पहले पॉइंट का कोई भी संबंध नहीं है। दूसरा पॉइंट है पेटेंट, ओपनिंग में थे 75,000 के, लेकिन वो बढ़कर हो गए 1 लाख के, तो इसका मतलब आपने 25,000 के पेटेंट और खरीदे हैं, परचेज करे हैं, तभी तो बढ़ गए। तो पेटेंट्स परचेज करे कहां लिखना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि ये आउटफ्लो हो रहा है, तो परचेज ऑफ पेटेंट्स 25,000 के पेटेंट्स खरीदे, उसके बाद जमीन लैंड ओपनिंग में थी 1 लाख की, फिर गिरावट आ गई, हो गई 90,000 की, तो लैंड के बारे में कभी भी गिरावट को डेप्रिसिएशन नहीं मानना, आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ज़मीन एक ऐसी चीज़ मानी जाती है कि ज़मीन की वैल्यू कभी डेप्रिशिएट नहीं होगी, ऐसा मानते हैं, होने को हो जाए, लेकिन अपने किताब में और सवाल में क्या मानते हैं कि लैंड विल नेवर बी डेप्रिशिएटेड। तो अगर लैंड की वैल्यू में गिरावट जो आप देख रहे हो बच्चों, ये जो आ रही है ये डेप्रिसिएशन की वजह से नहीं आ रही है, ये इसका मतलब आपने बेच दी होगी, सेल की वजह से माना जाएगा। तो हम ये मान लेंगे कि हमने जमीन को बेचा है, तो हम लिखेंगे सेल ऑफ लैंड। तो एक तो इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला, वो इधर बादल बना के लिखो कि हाँ, लैंड विल नेवर बी डेप्रिशिएटेड, तो कभी भी लैंड की वैल्यू में गिरावट आ भी रही होगी तो आप उसको डेप्रिसिएशन नहीं मानोगे, क्योंकि ये CBSE गाइडलाइन है कि लैंड और इन्वेस्टमेंट को कभी भी गिरावट होने पर डेप्रिशिएट नहीं मानते, लैंड या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, ऐसा एज्यूम कर लो। ओके, इसके बाद फर्नीचर 21,000 के थे और अब हो गए 2,46,000 के, तो इसका मतलब बढ़ गए, क्या करा होगा आपने? फर्नीचर परचेज करा होगा, खरीदा होगा, इसका मतलब आपने फर्नीचर खूब सारा खरीदा है, 2,25,000 का खरीदा है। अच्छा, सबको समझ आ रहा है? किसी को ये तो डाउट नहीं है कैसे लिख रहे हैं सर वैल्यू? समझ आ गया? फिर अगला आइटम प्लांट एंड मशीनरी नेट। अच्छा चलो, मजे आ गए, 2 कही था और 2 कही है, तो कुछ भी नहीं हो, छोड़ो। फिर है 10% इन्वेस्टमेंट, 10% का मतलब होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट पर ब्याज भी मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा? 10% का, तो अभी देखते हैं, खैर इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 2 लाख की, और इसमें गिरावट हो गई 180 की, तो फिर से वही, इन्वेस्टमेंट को डेप्रिसिएशन नहीं समझते, गिरावट अगर हो रही है तो क्या मानना है इन्वेस्टमेंट में? सेल।
हमेशा। तो सीबीएसई के दोनों पॉइंट आ गए इसी सवाल में, तो बहुत ही बढ़िया हो गया आपका। तो इन्वेस्टमेंट में भी आप ये मानोगे कि आपने गिरावट जो हो रही है वो सेल की वजह से हो रही है, आपने इन्वेस्टमेंट 20,000 की बेच दी होगी। तो दूसरा बादल भी बना लो कि इन्वेस्टमेंट विल नेवर बी डेप्रिशिएटेड। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कभी गिरावट आ रही होगी तो आप उसको डेप्रिसिएशन नहीं मानोगे, वो इसका मतलब आपने बेचा है इसीलिए हुआ है। अब ये बॉक्स जो खींच रखी है, लाइन खींच रखी है, इसके नीचे चलना है। मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरा पेज खत्म, आपको इसके नीचे चलना है। इसके नीचे लिखना है इम्पोर्टेंट नोट। इसके नीचे लिखना है इम्पोर्टेंट नोट, उस फॉर्मेट के ढांचे के नीचे। लिखो 10% इन्वेस्टमेंट आगे लिखो 1,80,000 क्लोजिंग और 2,00,000 ओपनिंग, ये गिवन है। 10% इन्वेस्टमेंट, 1,80,000 क्लोजिंग और 2,00,000 ओपनिंग। इस तरह की बात से आपको क्या इंटरप्रिटेशन खुद से करना है, तो लिखो नीचे इंटरप्रिटेशन। इस आइटम को जब भी देखो एग्जाम में तो इसमें कुछ छुपी हुई बातें हैं जिसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा खुद से, तो लिखो नीचे इंटरप्रिटेशन। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए इज इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए इज इक्वल टू 10% ऑफ। अब 10% आप इंटरेस्ट ओपनिंग का कैलकुलेट करोगे या क्लोजिंग का कैलकुलेट करोगे, किसका कैलकुलेट करना है? इस पर पहले एक बार कभी बस बताया था एक सवाल में बहुत पहले, जिसमें आपने डिबेंचर का इंटरेस्ट निकाला था, तो मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा ओपनिंग पर ही इंटरेस्ट निकालोगे। तो आपको इन्वेस्टमेंट की भी ओपनिंग वाली वैल्यू पर ही ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10% ब्याज आपको अपने आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन का मतलब है क्वेश्चन आपको लिख के नहीं देगा कि बच्चों ब्याज निकालो, आपको अपने आप निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलना चाहिए, 20,000 रुपए मिलना चाहिए, ठीक है, 20,000 रुपए मिलना चाहिए। तो मैं इसका ट्रीटमेंट भी लगे हाथ लिखवा रहा हूं, इसमें एक बाइफरकेशन ही करना, भी दूसरी वाली मत करना, बस पहले एक ही करना। इस 20,000 रुपए को हम मानते हैं कि ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इस 20,000 को हम मानते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो बताओ ये कहाँ जाएगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अगर है ये तो, हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएंगे। तो ये 20,000 रुपए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप डिडक्ट कर दोगे। तो हालांकि वो तो इस सवाल में बनाना नहीं है हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन फिर भी मेरे को सिखाना है ये पॉइंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा निकालना पड़ेगा और उस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जितना मिलना चाहिए, तो ये हमेशा इंटरेस्ट होता है जो हमको मिलना चाहिए। तो जो हमने निकाल लिया 20,000 रुपए का इंटरेस्ट हमको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना आपको मिलना चाहिए उतना एक्चुअल में भी मिला हो, ऐसा जरूरी नहीं होता ना भाई। जैसे आपके गलत कामों पर पापा से आपको 10 थप्पड़ पड़ने चाहिए, पर कभी कभी 3 पढ़ के फिर पापा रुक जाते हैं, आप कमरे में भाग जाते हो। तो पढ़ने कितने चाहिए और एक्चुअल में कितने पढ़े, उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो इसी प्रकार इंटरेस्ट आपको मिलना कितना चाहिए था 20,000,
पर क्या एक्चुअल में भी 20,000 ही मिला है ये भी पता तो नहीं ना बात हमको। आइए अब सवाल में, अब नीचे का आखिरी आइटम पढ़े, लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? मिलना चाहिए पर मिला नहीं, मिलना चाहिए पर मिला नहीं, यही मतलब होता है ना। ओपनिंग में तो था जीरो और क्लोजिंग में कितना था? 6,000। तो आपको इसकी बढ़ोतरी देखनी है, क्या देखना है? इसकी इंक्रीज देखना है कि एक्रूड इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हुआ, ये चेक करते हैं। तो मैं लिख देता हूं अंग्रेजी में, मतलब अभी आप मत बनाना डिजाइन, नहीं तो आपकी शायद गलती हो सकती है, पहले बस देखते रहना। हमको क्या चेक करना होता है कि हमारे एक्रूड इंटरेस्ट में कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये चेक करते हैं। तो अगर मेरे इस क्वेश्चन में ओपनिंग में तो जीरो था और क्लोजिंग में 6,000 दे रखा था, तो कितना बढ़ गया एक्रूड इंटरेस्ट? 6,000 बढ़ गया ना। तो एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए पर मिला नहीं है। तो अब थोड़ा सा सोचना है, पापा को मारने तो चाहिए थे टोटल 20 थप्पड़, पर उसमें से पापा ने 6 थप्पड़ नहीं मारे, तो आपको एक्चुअल में कितने थप्पड़ पड़े? 14। समझ रहे हो कहानी? तो इसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में 20,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ये टोटल इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, पर उसमें से एक्रूड इंटरेस्ट है 6,000, उसमें से एक्रूड कितना हो गया? 6,000, जो आपको मिला नहीं है। तो दैट मींस आपको एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट मिला है? सिर्फ 14,000 रुपए आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट मिला है। तो हम अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर सिर्फ जो एक्चुअल में मिला होता है सिर्फ उसी को इनकम मानते हैं, उसी को इनफ्लो मानते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम सिर्फ 14,000 को ही ऐड करेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम सिर्फ कितने रुपए ऐड करते हैं? जो हमको एक्चुअल में मिला है, सिर्फ 14,000, ना कि 20,000। तो ये इस क्वेश्चन में एक यूनिक और स्पेशल पॉइंट है जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट नोट बनवा के लिखवाना था। तो अब आप इसको इसी प्रकार से नोट कर लो पहले। तो अब आप पहले इसको इसी तरह से नोट करो और फिर इस पर अगर आप कहोगे कि चर्चा की जरूरत है तो दोबारा समझा देंगे एक बार और। तो हमें ये निकालना है कि 20,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, जिसमें से 6,000 का तो अभी लेकिन मिला नहीं है। तो दैट मींस एक्चुअल में हमको जो इंटरेस्ट मिला है, सिर्फ जो रिसीव हुआ है, इसीलिए इसका नाम होता है ना इंटरेस्ट रिसीव्ड। आप इसमें क्या ऐड करते हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐड करते हो एक तरह से। तो हमको जितना सिर्फ एक्चुअल इंटरेस्ट मिला, हम सिर्फ वो ही इसमें ऐड करेंगे, यानी कि सिर्फ 14,000 रुपए ही अपना इंटरेस्ट ऐड करेंगे। तो आप किताब में इनका हिंट नंबर 3 देख सकते हो, लेकिन उससे आपको बात समझ नहीं आई, वो तो उन्होंने ऐसी ब्रीफ में दे दिया। अगर इनका आप हिंट देखो, वो बच्चे को हिंट दे भी रहे हैं सवाल का आंसर निकालने के लिए कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10% ऑफ 2,00,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 14, पर इससे बच्चे को कहानी नहीं क्लियर होगी। तो क्लियर होगी कि अपने को 14,000 रुपए ही इंटरेस्ट लेना। चलो, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आप इनफ्लो में लिख लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इस पर तो सी का सिंबल बना लो, कॉन्सेप्ट पॉइंट है एक तरह से, या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 14,000 सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव में आप 14,000 ही लिखोगे, ये वाला 14,000। और अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बना रहे होते तो फिर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 20,000 को माइनस कर देते। तो इतना पोर्शन भी लिखना है और इतना पोर्शन भी लिखना है। क्लियर हो गया? हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन मत करना। अगर इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बन रही होती, मान लो एक बार को ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप बना रहे होते, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर माइनस करके इंटरेस्ट रिसीव्ड में 20,000 ही माइनस होता। ये वाला हमेशा इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस करते हैं 20,000, इसमें एक्रूड को नहीं देखते, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालते समय एक्रूड को माइनस करके फिर लेना होता है। 6,000 हो गया अपने आप एडजस्ट, तो ये फिर अब और कहीं नहीं जाएगा। तो 6,000 ऑलरेडी इसमें एडजस्ट हो गया। हाँ, फिर इसको इंक्रीज इन करंट एसेट की तरह आप डील नहीं करोगे। नाउ इट इज ओवर, फिर आप इसको इंक्रीज इन करंट एसेट मान के उधर नहीं लोगे, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी ट्रीट कर लिया। आप इंटरेस्ट इंक्रीज इन करंट एसेट को भी क्या करते हो? लेस करते हो ना। तो 6,000 लेस करते,
6000 लेस करते, तो वो लेस मैंने यहाँ नहीं करा, वो लेस मैंने यहाँ कर दिया, 20 में से लेस कर दिया 6, तो इसीलिए अल्टीमेट आंसर वही आता है सेम। लेकिन हमको इस एक्रूड इंटरेस्ट को ध्यान रखना है कि इधर में से ही माइनस करना है, ना कि वहां पर शो करना, ठीक है। और कोई डाउट? तो फिर इसका आंसर निकाल लेते हैं फटाफट। 30, 44 माइनस 2.5 नेगेटिव 2,06,000, नेगेटिव 2,06,000 का मतलब हो गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक क्वेश्चन और करेंगे आप और मैं साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 29, फिर हमारा इन्वेस्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब खत्म। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो एक बार देखते हैं क्या क्या एसेट्स दे रखे, इन्वेस्टमेंट लैंड वाली ओपनिंग क्लोजिंग, शेयर इन दामोदर लिमिटेड ओपनिंग क्लोजिंग, ये इन्वेस्टमेंट ही होती है ये भी, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओपनिंग क्लोजिंग, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग क्लोजिंग, पेटेंट ओपनिंग क्लोजिंग, गुडविल ओपनिंग क्लोजिंग। ओके, नंबर 1, पीस ऑफ लैंड वॉज परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस, इट वॉज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पज एंड द रेंट रिसीव वॉज 20,000, ठीक है, तो ये तो पहले कर लिया। सेकेंड, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड एट 12%, कह रहे हैं हमको दामोदर लिमिटेड से 12% का डिविडेंड मिला है, तो अगर दामोदर लिमिटेड में आपने 1.5 लाख के शेयर्स खरीद रखे हैं तो आपको 1.5 लाख पर 12% डिविडेंड मिला, तो 18,000 रुपये आपको डिविडेंड मिल गया, तो ये भी हो गई बात। थर्ड, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, इसका मतलब डिप्रिशिएट होना या अमोर्टाइज होना, टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 फुल स्टॉप, सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, तो इसके लिए हम पेटेंट का खाता बनाएंगे इस एडजस्टमेंट के लिए। फोर्थ, मशीन कॉस्टिंग 80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000, वॉज सोल्ड फॉर 35,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वॉज 70,000, तो इसके लिए भी हम कौन सा खाता बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी का। पॉइंट नंबर 5, ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड फॉर 1,00,000, यानी कि ये वाली, एंड सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, यानी कि यही वाली, तो ठीक है, इस पॉइंट के लिए भी हम कौन सा खाता बनाएंगे, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसकी भी एडजस्टमेंट होती है उसका खाता बनेगा, पेटेंट का बनाएंगे, मशीन का बनाएंगे, 12% इन्वेस्टमेंट का बनाएंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर वॉज ड्यूली रिसीव्ड, ये तो भला उसने ये लिख दिया, एग्जाम में ये लिखा नहीं होगा, आपको भी पुराना वाला एग्जाम्पल क्वेश्चन से खुद देखना, इसमें कितना इंटरेस्ट दे रखा है, 12%, तो 12% किस पर कैलकुलेट करोगे, ओपनिंग के क्लोजिंग, ओपनिंग पे 50,000 पे, तो हमको अपने आप निकालना पड़ेगा वो, पर फिर भी इसने दे दिया तो भला हो इसका। चलो, तो इसमें एक तो बना लेते हैं सॉल्यूशन का ढांचा। तो पहले तो स्टेटमेंट बना लो, और फिर उसके नीचे वर्किंग नोट में कितने ढांचे बनेंगे, एक तो बनेगा प्लांट एंड मशीन अकाउंट, एक बनेगा पेटेंट अकाउंट, एक बनेगा 12% इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तीन तीन एसेट के अकाउंट बना लें, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट।
श्योर ओके। तो कैसे करें, पहले कहाँ से शुरू करें? पहले खातों से करें, जैसे खाते बना रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिना दिमाग वाला काम जो दीपांकर करते हैं। चलिए जी दीपांकर बाबू, प्लांट एंड मशीनरी से 2 बैलेंस BD 6 लाख। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD 750। ठीक है, फिर पेटेंट्स का 2 बैलेंस BD 1 लाख और बाय बैलेंस CD 70,000। ठीक है, इनमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना, सबसे पहले ये लिख लो। फिर इन्वेस्टमेंट का 2 बैलेंस BD बताइए जी, नहीं कौन सा बना रहे हैं हम, 12% वाली इन्वेस्टमेंट का 50,000 और बाय बैलेंस CD 80। ठीक है, तो ये तो हो गए ओपनिंग क्लोजिंग। पॉइंट नंबर 1 तो अभी छोड़ दो, पॉइंट नंबर 2 भी अभी छोड़ दो, पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे पहले। पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। पेटेंट्स डेप्रिशिएट हो गए, कहाँ लिखेंगे बताओ? पेटेंट्स डेप्रिशिएट हो गए, हाँ, बाय अमोर्टाइजेशन भी लिख सकते हो या स्टेटमेंट ऑफ PNL भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। कितने रुपए के राइट ऑफ हो गए? 20,000 के राइट ऑफ हो गए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर अगला पूछ रहा हूं आपसे, आगे लिखा है सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10,000। 10,000 का मुनाफा कहां लिखना है? डेबिट साइड पर, टू स्टेटमेंट ऑफ PNL, मुनाफा 10,000 का। बस बंद कर दो ये खाता, और डेबिट का टोटल है 1,10,000। तो 1,10,000 में से 90,000 माइनस करो, क्या बच रहा है बैलेंस? 1,10,000 में से 90 गया, 20,000। बताओ ये क्या होगा? बाय बैंक अकाउंट, सही। तो इसका मतलब आपने कुछ पेटेंट्स को बेच दिया है, सेल कर दी है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। फिर पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, अब इसमें आप झोल कर सकते हो ऐसा मुझे अंदेशा लग रहा है। मशीन कॉस्टिंग 80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000। पहले तो बताओ बुक वैल्यू कितनी, जल्दी से दिमाग में निकाल के बताओ। 80 तो कॉस्ट थी, 80 तो कॉस्ट थी, ठीक है, और उसमें कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड लगा चुके हो आप? 30,000। तो क्या बुक वैल्यू बच गई मशीन की? 50,000। अब पढ़ो आगे, कितने में बेची? वो सोल्ड 35 में बेच दी, तो 50 की चीज 35 में बेच दी, 15 का लॉस। तो क्या क्या लिखेंगे? एक तो लिखेंगे बाय बैंक, पहले तो लिखो सेल, 35,000 की मशीन बेची वो लिखो, एक तो बाय बैंक सेल। फिर दूसरा बाय स्टेटमेंट ऑफ PNL, नुकसान हो गया, 15 का नुकसान हो गया। हाँ, अब वो तो मैं पूछूंगा अब आपसे, वो तो मेरा सवाल है, तुम क्यों मुझसे पूछ रहे हो? अब मेरा सवाल ये है कि जो मशीन बेची उसका जो एक्यूमुलेटेड डेब्ट दे रखा है 30,000 रुपए, तो क्या मैं बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट करके वो 30,000 यहाँ पे लिखूं या ना लिखूं, ये मेरा प्रश्न है पहले। तो कुछ कह रहे हाँ ये ना, तो बताओ जो मशीन हमने बेची
उसका बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000 में लिखूं या ना लिखूं? नहीं तो क्यों नहीं बताओ? चलो सोचो, क्या हम, क्या हमारी कंपनी प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट मेंटेन कर रही है? पहले ये देखो, क्या हमारी कंपनी कोई प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट मेंटेन कर रही है? क्या नहीं कर रही ना? तो इसका मतलब हम दूसरे प्रकार के मुंशी हैं, तो हमें ये अब नहीं लिखना, तो ये हमारा इग्नोर करना है, इसको कुछ नहीं करना, समझ गए? अगर हम प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बना रहे होते तब फिर वो नीचे ऐसे आता फिसल के, जैसे आपने पिछली कक्षा में सीखा था। तो प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट तभी लिखना है जब आप प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। तो क्या कंपनी का कोई खाता है प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट का? देखो जरा, क्या सवाल में कंपनी कोई भी प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट मेंटेन कर रही है? ओपनिंग क्लोजिंग है क्या उसके? कुछ नहीं है, तो फिर नहीं लिखना। क्लियर? अब आगे पढ़ो, अभी पॉइंट फोर खत्म नहीं हुआ, आखिरी लाइन पढ़ो पॉइंट फोर की। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वॉज 70,000 बाय डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, महिलाओं ने एक सुर में बोला। तो बाय डेप्रिसिएशन 70,000, बस ये तो आप बचपन से लिखते आ रहे हो। चलो क्रेडिट का टोटल बताओ जी, 50, 1, 20, 7, 70, 8, 70, 8,70,000। 8,70,000 में से 6,00,000 माइनस करो, 2,70,000। तो बताओ इसका मतलब ये क्या है? 2 बैंक अकाउंट, यानी आपने प्लांट एंड मशीन परचेज करा होगा, ये निकाल दिया। ठीक है, ये दोनों खाते समझ आ गए? फिर पढ़ो पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान 12% इन्वेस्टमेंट वर परचेज फॉर 1,00,000। आ जाओ इधर, कह रहा है आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी 1,00,000 की, कहां लिखोगे? डेबिट में। वेरी गुड, तो 2 बैंक अकाउंट, आपने 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी, तो यहां लिखो 2 बैंक अकाउंट 1,00,000। ठीक है, ये क्लियर? फिर आगे पढ़ो, सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10,000। कुछ इन्वेस्टमेंट आपने 10,000 के मुनाफे पर बेची, तो 10,000 का मुनाफा कहां लिखोगे? डेबिट में। 2 स्टेटमेंट ऑफ PNL, तो मुनाफा लिख लो 10,000। सबको पोस्टिंग क्लियर हो रही है, याद भी हो रही है धीरे धीरे? चलो तो डेबिट का टोटल करो, 1.5 और 10, 1,60,000। तो 1,60,000 में से 80,000 माइनस करो, तो बैलेंस बचा 80,000। अभी तुम्हें निकालता हूं क्लास से और उल्टा सर के बल खड़ा करूंगा। तो इस बैलेंस को क्या बोलेंगे? बाय बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या करा? सेल करी इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, तो बस मुझे मेन चीज ये बताओ कि अब आपको खाते बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं महसूस हो रही? हर खाते का महत्व समझ आ गया कि क्या है? अच्छा, तो अब मेन आंसर आपसे पूछ पूछ के बनाए लेंगे, बता दूंगे। चलो तो बताइए, सबसे पहले क्या लिखे? नंबर 1, ठीक है, तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बताओ दीपांकर कितने रुपए? अरे वाह, 35,000। कहाँ से देखा ये? फिर नेक्स्ट आइटम, सेल ऑफ पेटेंट्स, कितने रुपए? 20,000।
उसके बाद सेल ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट्स 80,000, फिर उसके बाद एक पॉइंट हाथ का निशान बना के ऐसे लिख रहा हूँ सेल्फ, सेल्फ मतलब अपने आप लिखना जो पड़ा हमको या लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये क्वेश्चन आपको लिख के देगा नहीं, आपको खुद से निकालना है, तो निकालते हैं आओ। 12% ओपनिंग का कि क्लोजिंग का? ओपनिंग का। तो 50,000 का 12%, 12 × 60 तो 6,000। तो पहले मुझे बताओ ये क्लियर होगी फिगर, ये कहाँ से आ रही है? ये समझ गए, इन्वेस्टमेंट पर आपको अपने आप इंटरेस्ट निकालना। अच्छा मान लो अगर 1,000 रुपए एक्रूड इंटरेस्ट होता तो यहाँ कितना लिखते? अगर एक्रूड इंटरेस्ट 1,000 होता तो यहाँ कितना लिखते? 5। अगर एक्रूड इंटरेस्ट 2,000 होता तो? एक्रूड इंटरेस्ट 6,000 होता तो? ठीक है याद रखने का है, फिर एक्रूड इंटरेस्ट 6,000 होता तो निल। चलो आगे नेक्स्ट बताओ। अब अभी नहीं मैडम, अभी तो इनफ्लोज आ रहे हैं, अभी रास्ता, अभी तो इनफ्लोज का आना भी चल रहा है। डिविडेंड रिसीव भी तो निकालो, दामोदर के कितने शेयर्स लेके बैठे हो आप? दामोदर लिमिटेड के बताओ दिमाग कर कितने शेयर्स ले रखे हैं और कितना डिविडेंड मिला दामोदर से? कितना डिविडेंड मिला? 12%, 18,000। चलो ये समझ आ गए डिविडेंड रिसीव। चलो चलो इसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम बताओ। बताओ जी, रेंट रिसीव्ड, जमीन किराए पर दी, कितना भाड़ा मिला? बताओ जल्दी, बातें नहीं करो, कितना भाड़ा मिला? अभी रुपा, अच्छा तुम वहां रख देना ऊपर टॉप पे, 20,000। चलो बातें नहीं है, फटाफट फटाफट और ढूंढो, और कोई इनफ्लो तो नहीं है? मैं भी ढूंढ रहा हूँ सवाल में। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और बस खत्म। अब बताओ जी आउटफ्लोज, माइनस परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन कितने रुपए? बताओ दीपांकर, 2,70,000, सही बता रहे हो ना? माइनस और बताओ इनफ्लो वो आउटफ्लो, परचेज ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट कितना? 1,00,000। और बताओ आउटफ्लो, माइनस कौन बताएगा? तो बताओ बच्चों, और आउटफ्लो बताइए जी। चलो तो ये इसका मतलब आप अभी भी नलायक हो सितारा। परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल देखो जरा कितनी थी ओपनिंग में? 1,00,000 थी गुडविल, दिख गई कहाँ पे हैं हम, और क्लोजिंग में हो गई 1,50,000, तो ये बढ़ोतरी हो गई गुडविल में। तो क्या करा होगा आपने, इसका मतलब परचेज करी है गुडविल, इसका मतलब आपने खरीदी है गुडविल। चलो तो इतना निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। 35 + 20 + 80 + 6 + 18 + 20 -270 - 1,00,000 - 50,000 -241 आ रहा है मेरा, तो -241 आ रहा है। अब किताब वालों का चेक करो, तो उन्होंने सही करा इसका मतलब। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,41,000।
हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है। हाँ वो अभी हम इसलिए लिख देते क्योंकि जब आगे करेंगे ना सॉल्व तो इस माइनस से नेट निकालेंगे तो ये पता रहेगा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। चलो अच्छा अब दो क्वेश्चन आप करके दिखाओगे मुझे, नहीं दो नहीं तीन, 24 आपको करना है पहले, 26 आपको करना है और 30 आपको करना है। हाँ फिर आज की छुट्टी।